محمد محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين مهدي المنتظر أرباهنا وأرباه العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على آدائهم ومنكر فضائلهم وغاسب حقوقهم إلى قيام يوم الدين وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سورة کی تمام سور الفاتحه تمام مؤمن المؤمن ومؤمنات کے لئے، تمام علماء کرام مراجع الزام اور تمام شوہا ملت کے لیے اور ہم رحم الله من قر الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين

खसूस अफ़ग़ानिस्तान में मोमिन की हफ़ाजत के लिए और जो बीमार हैं उन सब की सबकी शफाजलकामिल शफ कामिल के लिए और खसूस ख्वाजा खुछा साहब की वालदा इस वक्त अलील हैं वो अस्पताल में हैं इसी वजह से वो आए भी नहीं हैं उनकी सेहत व सलामती के लिए बसमिल्लर अल्हबीन और غير لما عليهم ولا اللهم صل على محمد محمد पांच माह रमज़ान की कोई ख़ास मुनासिबतें नहीं थी, लिहाजा उसको हमने डिस्कस नहीं किया छह माह रमज़ान की जो कुछ मुनासबतें हैं अलबत्ता इस जाने में हम तोज्जो दिलाएँ कि बास मुनासबतें क्योंकि तारीखों में इख्तलाफ़ है तो वो इस महीने में भी उनका जिक्र होगा मुमकिन है कि और तारीखों में भी इसी महीने के जिक्र हो या मुमकिन है कि जिस तरह से तारीखें अलग अलग हैं तो मुख्तलिफ महीनों में उसका जिक्र इनशा होगा दो सौ एक में जो सबसे पहला तारीख के और ज़मान के अदबार से है एक कौल के मुताबिक औरत का नज़ुल भी छः रमज़ान को होगा अब ये जहन में रहे कि इन शाह अगर जिंदगी रही शब कदर से पहले तो एक सवाल जहन में आ सकता है सबके कि कुरान नाजिल हुआ कितने साल में बाईस साल में एक एक दो 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 आए थे करके तो शब कदर में क्या हुआ तो इसको इनशाला तफसील से डिस्कस करेंगे फिलहाल सिर्फ एक मुख्तसर सा तारफ कर दें इस मौजु में कि कुरान का एक नजूल है कि जो तेईस साल में हुआ एक तंजील है कि जो शब कदर में हुई इसी तरीके से तौरात और दीगर कुतुब के बारे में भी यही एहतमाल है लेकिन ये जो तौरात का नजुल हुआ क्योंकि तौरात के कुछ हिस्से थे कि जो हजरत मूसा पे लौह के जरिए से नाजिल हुए तूर में तो मुमकिन है कि ये उसका जिक्र हो और मुमकिन है कि ये जिस तरह शब कदर में कुरान का इंजाल हुआ उस जानब इसका इशारा हो दो सौ एक में इमाम सलाम के नाम के सिक्के बने अब ये तोज्जो दिलाए कि हारून के दो बेटे थे एक मामून एक अमीन मामून ईरानी माँ से था और अमीन अरब मां से था हारून ने गो के मुमालिक को तकसीम कर दिया था दो हिस्सों में यानी यहां पे कहा जा सकता है कि अहले सुन्नत के एक खलीफा यानी हारून के बाद इसका मतलब है प्रैक्टिकली दो खलीफा हो गए थे बैक वक्त एक मामून एक अमीन दोनों में जंग हुई और मामून ने अमीन को कत्ल किया और पहाड़ की एक खाई में फेंक दिया उसे एक अमीरमनी ने दूसरे अमीर ममी ने और उसके बाद पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया तो क्योंकि उस जमाने में ये वाला मौजू था एक तो के बनु अब्बास धोखेबाज हैं गोके सादात हाशमी हैं लेकिन इन्होंने रसूल अल्लाह पर जुल्म किया उनके नाम पर पावर हासिल की लेकिन जब पावर आई तो खुद ही बनोमैया से बदतर हो गए दूसरे ये के मंसूर पर इमाम जाफर साद सलाम के कत्ल का था कारून पर इमाम मोसे आजम की कत्ल और शहादत का था अब ये दो आय की शहादतें इन लोगों के थीं दूसरा मसला वही था कि मामून ईरानी था और आम इम्प्रेशन ये था कि ये इसमें ईरानियत ज्यादा है अरबों के खिलाफ तो अब इसको एक तो अपने ख़ानदान का दफा करना था कि नहीं हम धोखेबाज नहीं है लिहाजा इसने कहा कि जो हमने नारा लगाया था रजा में नाले मोहम्मद देखो मैं इमाम रजा को अपना जानाशीन बना इमाम रजा को अपना वलीहत बना रहा हूँ लेकिन इमाम ने मना फरमाया बाद में उनको जबरदस्ती उठा के लाया गया था मदीने से मरव यानी आजकल के फोरासान के इलाके में और इमाम ने वहाँ चलने से पहले कह दिया था कि तुम लोग मुझ पर अब रो लो मुझसे दोबारा मुलाकात नहीं होगी इन सब इमाम को मालूम था लेकिन इमाम ने इसको कबूल किया और जो सबसे अहम काम उन्होंने अंजाम दिया वो इस दौरान मुख्तलिफ मजाहब और मुख्तलफ मकातब के लोगों से मनाजरों का काम था जिसके जरिए से खुद मामून के दरबार में भी लोगों को और वजीरों को और फौजियों को और लोगों को पता चला कि असल इमाम ये है असल इल्म यहां पर है तो एक वजह इमाम के कबूल करने की ये थी अब एक तो तोहमत थी बनु अब्बास पे दूसरा अरब और ईरानी का चक्कर दूसरा ये कि इसके बाप पर शहादत इमाम मूसा आजम का था फिर मंसूर पर शहादत इमाम जाफर सदल का था और फिर इस पर इसके भाई का कत्ल का था इल्जाम और तोहमत तो ये कहता था कि नहीं मैं तो अच्छा आदमी हूं ये करने के लिए इसने ये काम किया लेकिन असल साजिश ये थी कि इमाम को शहजादों की तरह से लाया जाएगा पब्लिक में और इमाम की हैसियत को ख़राब कर दिया जाएगा लिहाजा ज़बरदस्ती एक दफ़ा कहा गया कि ईद की नमाज पढ़ाएं तो खैर इस तारीख में सिक्के बने लेकिन इमाम ने वाज़ कहा कि मैं किसी को किसी मनसब पर मुैया नहीं करूंगा और किसी को किसी मनसब से हटाऊंगा नहीं क्या मुराद कि अब जो धांधलियां होती हैं वो इमाम के खाते में जाती हैं इमाम ने कहा मैं कभी किसी को ना हटाऊंगा ना किसी को मुयन करूंगा मेरा काम कुछ नहीं होगा इससे अब ईद की नमाज के लिए कहा गया तो इमाम ने फरमाया कि मैं रसूल अल्लाह वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक पढ़ाऊंगा तो इसने कहा कि सही है अब जब इमाम निकले तो जबानों पर इमाम की जबान मुबारक पे था वो ईद की तकबीरत अल्ला अकबर अल्ला अकबर और तमाम लोग जवाब दे रहे थे हती दरो दीवार से आवाजें आ रही थी दूसरे ये कि इमाम शहजादों के लिबास में नहीं निकले बल्कि सफेद लिबास में निकले के जो शहाना लिबास होता था वो जमीन पर खिंचता था इमाम निकले ऐसे लिबास में कि जो टखने से ऊपर था टखने से ऊपर मुराद होती है ये हिस्सा तो हमारे यहाँ है कि जो निचला लिबास हो टखने से ऊपर हो बेहतर है अब ये जो हमारे यहाँ तबलीगी जमात वाले बिल्कुल घुटने तक ले गए हैं ऐसा कुछ नहीं है कि छोटे भाई की शलवार और बड़े भाई की कमीज के कमी नहीं इमाम सफेद सादे लिबास में और वो भी ऊंचा और तकबीर पढ़ते हुए और नंगे पैर निकले मुस्तहबा ईद में से एक ये है कि ईदगाह तक नंगे पैर जाया जाए और ईद की नमाज बयाबान में हो लिहाजा सबका जमाने में जो ईदगाह होती थी शियों में भी सुन्नीयों में भी वो इसी इस की वजह से होती थी छत के नीचे ईद की नमाज मकरू है लेकिन अब जाहिर है कि बहुत सारी जगह पॉसिबल नहीं है अब याहिया बरमखी ने कहा कि भाई अगर ये इमाम रजा वहां तक पहुंचे ना तो सब तुम्हारी साजिश नाकाम हो जाएगी और सब इस वक्त नारे लगा रहे हैं लब है फर्जंद या रसूल अल्लाह के और उनका जिक्र हो रहा है तो रास्ते में उनको रोक दिया गया कि ये अपना रसूल अल्लाह अहमद ना फरमाए मैं खुद ही पढ़ा दूंगा इसके बाद इमाम की शहादत का सिलसिला हुआ 463 में मोहम्मद बिन हसन बिन हमजा अल जाफरी या तलेबी <तालिवी> ये शागिर थे सैयद मरतजा के और शेख मुफीद के और अपने जमाने के बड़े और मुतकलमों में से थे और साथ ही शेख मुफीद के शागिद भी थे और दामाद भी थे क्योंकि शेख मुफीद का असल काम था कलामी और मनाजराती मौजूद को डिस्कस करना तो इनका भी अहम काम यही था कि यह अपने ज़माने के अहम मनाजरा करने वाले और मतकलमिन में से थे और इनकी वफात हुई छह रमजान फोर सिक्सटी थ्री को और छह रमज़ान फोर सिक्सटी थ्री को ही वफात हुई सलारे दैलमी की के जिनका नाम था हमजा बिन अब्दुल अजीज ये भी फाय शिया में से सफ़े अब्बल के अफराद में से थे और ये भी शागिरद थे सैद मुर्तज़ा के और शेख मुफीद के इन दोनों का इंतकाल एक ही दिन हुआ लेकिन ये जो थे इनका इंतकाल हुआ था ईरान के आज़रबाईजान के इलाके में यानी एक ही शहर में इंतकाल नहीं हुआ उनका वहां हुआ इराक की तरफ इनका यहाँ पे हुआ 1195 फाइव में मोहम्मद जाफर बिन सैफुद्दीन अस्तराबादी है तहरानी है, शरीयत मदार ये अपने जमाने के बड़े मराजे में से थे और इन्होंने जिहाद किया था रूस वालों से याद रखें कि ईरान रूस का इस वक्त अच्छा खासा इलाका जैसे कि आज़रबाईजान है तिफलीस है ये सब पहले ईरान का हिस्सा था तोमा ने रूस से बाकायदा जहाद किया था उस जमाने में और उसके बाद भी कुछ इलाके वापस लिए थे कुछ नहीं ले पाए थे तो है कि रूस बहुत बड़ी एक मुमलिकत थी और इसी दौरान एक तहरीक चली थी जो मिर्जा कूचक खान ने चलाई थी और वो कहलाती है तहरीक जंगल मिर्जा कूचक खान जंगली वो बिल्कुल अलग है लेकिन ये जो तहरीक थी इनकी विलादत हुई थी छह रमजान को 1195 नाइनटी फाइव यानी पहले बारों की हमने वफात बयान की इनकी विलादत हुई थी और ये शागिरद थे साहिब रियाज के साहिब बहरूलूम के और आयतुल्ला बहरअलूम के और वहीद बह के चौदह सौ सोलह में आयतल जाफ़र मुशतहदी का इंतक़ाल हुआ चौदह सौ सोलह ही में आज ही के दिन सैयद अब्दुलअजीज़ तबा तबाही के जो बहुत बड़े मौक़ थे और शी किताबों पर इनकी बड़ी गहरी निगाह थी इनकी हमने एक दफ़ा जियारत भी की बल्कि दो दफ़ा इनके पास भी मैं गया था फोरटीन ट्वेंटी सेवन में वफात हुई मेहंदी के यसरबी की ये बड़े उलमा में से थे और फोटी थर्टी थ्री में शेख बाखर अलमुल हुदा की वफात हुई ये हमने जिक्र किया तब्रुकन इन सबके दर्जात की बुलंदी के लिए बर महम्मद वाले मोहम्मद सलाबाद क्योंकि तो ये जहन में रखें कि जहां जहां जो जो पहुंचा है जो कुछ पहुंचा है वो उलमाही के जरिए सीना बसीना सीना पहुंचा है आपने भी जो मजालिस सुनी है तो मुमकिन है कि खुदावन तबारक वाली को इसका आलम हो कि जो आपने जो कुछ सुना है वो उनके जरिए से होता 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 पाकिस्तान इंडिया और जिससे हमने सुना है उस तक आया लिहाजा हमेशा कोशिश करें हमारी हमेशा रविश थी कि मैं जब भी किताब पढ़ता था तो जिनकी किताब हो उनको उनके वालदेन को उनके उस्तादों को और इस तरह से बाकी उलमा को हमेशा जो है फातह पढ़ता सलवाद पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद अगर जगह बना दे उनके लिए कुर्सी एक अच्छी जगह रख दीजिए हमारी गुफ्तु हुई व तसदु अकरा मसाक नेकुम व हमारी गुफ्तु चल रही है खुदबा शाबानिया और खुदबा शाबानिया के बारे में हमने तोज्जो दिलाई कि ये शाबान के आखिरी जुमे में रसूल सल वसलम नेत फरमाया था कुछ इनके जुमलात के ऊपर गफ्तु हो चुकी है कल हमारी गुफ्तु हुई व तसदखु अलाफ़रा मसाक ने कुम तो सदक़े के बारे में हमने तफसील से डिस्कशन किया फिर फरमाते हैं रसूल सल्लाम वक्रु कबा रकुम अपने बड़ों का एहतराम करो ये जहन में रहे कि बड़ा फासिक व फाजिर हो जैसा भी हो लेकिन एक एहतराम से बात करनी चाहिए क्या मुराद एहतराम से बात करनी चाहिए कि अगर सिर्फ ये जहन में डाल दिया जाए कि जो नेक होगा तो बात करेंगे तो बहुत सारे कुफार हैं टीचर्स हैं भी यहाँ पर यूरोप और अमेरिका में और अमेरिका से मुराद पूरे नॉर्थ अमेरिका में ले लें यह और जगह भी उमूमन टीचर्स बहुत ज़्यादा खुश होते हैं इंडियन पाकिस्तानी बच्चों से उसकी एक वजह यह होती है खूस वो बच्चे के जो इंडिया पाकिस्तान से आए हों कि वो उस्ताद का एहतराम करते हैं इसी तरह से बुजुर्गों का एहतराम करते हैं तो हमारे यहाँ आमतौर पर जो लोग हैं वो बहुत मुतासर हो जाते हैं जो यूरोप में ऐसा होता है अमेरिका में ऐसा होता है हम नहीं कह रहे कि जो यूरोप और अमेरिका की बड़ी फैमिलीज हैं रॉयल फैमिलीज हैं अच्छे खानदान हैं वो हमारे लिए आइडियल हैं ना हमारे लिए आइडियल नहीं है लेकिन अगर किसी को आइडियल बना नहीं है तो कम से कम अच्छे खानदान वालों को बना लो यहां पर उमूमन हम लोगों का ताल्लुक यूरोप और अमेरिका के अच्छे खानदानों से नहीं होता इलमी ए से कल्चर के एतबार से पस लोगों से होता है तो ये जहन में रखें कि वो आइडियल नहीं है लेकिन अगर किसी को आइडियल बनाना है तो जरा ढंग के खानदान के लोगों को बना लो वहां पर अभी भी अकदार हैं बुजुर्गों का एहतराम है यहाँ पे जहन में डाला जाता नहीं है यूरोप अमेरिका में नानी दादी का एहतराम नहीं है यूरोप अमेरिका में तो माँ बाप का पता नहीं है बाबा वो पस लोगों की बात कर रहे हैं यहां पर अच्छी फैमिलीज क्रिसमस में नानी नाना दादी दादा के पास बैठती हैं यहाँ पर अच्छी फैमिली के खुद हमें डॉक्टर्स ने बताया है कि अगर नानी नाना दादी दादा होते हैं तो पूरी पूरी फैमिलीज आके रुकी भी होती है बाकायदगी से आते हैं लोग उनके यहाँ पूरी पूरी बारियां लगती हैं लोग अपने जॉब छोड़ते हैं तो आइडियल तो दर हकीकत मासूमिन है लेकिन अगर इनको भी बनाना है तो दर अच्छी फैमिली वालों को बनाए और देखें कि वहां पर क्या तरीके हैं वो कि आइडियल वो भी हमारे लिए नहीं है तो बुजुर्गों का एक अहतराम और बड़ों का एक अहतराम होना चाहिए और ये बच्चों को बताना चाहिए मसन खुद अल्लाह सुबहान शुक्र है लाख लाख मसन आज तक मुझे नहीं याद पड़ता कभी किसी के सामने हमने ऐसे टांग की हो बड़े तो बड़े हती किसी अपने बराबर वाले हती अगर मैं कभी ज़मीन पर बैठता भी हूँ और दोस्त भी होते हैं तो एक चादर मंगा के और अगर बहुत ज्यादा फ्री भी हैं टांगे फैलाई तो चादर मंगा के और अगर अबा खबा में होता था मैं खुम में भी मुझे याद है तो उतार के अबा उतारी और टांगों पर डाल ली फिर भी जरा सॉरी कर दिया तो एक एहतराम का सिलसिला होना चाहिए खसूसन बुजुर्गों के साथ ये बच्चों को बताना चाहिए कि बड़ा आ जाए तो आप खड़े हो जाए उसको जगह दे दें ये बच्चों को बताना चाहिए कि अगर कोई दरवाज़ा खोल रहा है कोई भी हो अभी मैं इतफाक़ से गया हुआ था थाम सेंस गया था तो मैं सर्दी लग रही थी तेज़ी से मैं दरवाजे की जानेब गया एकदम से मैंने देखा तकरीबन एटी इयर्स ओल्ड खातून आ रही थी और मैं रुक गया और रुकने के बाद जो है मैं दरवाजा खोल के उनको कहा वो बहुत खुश हुई बुजुर्गों के एहतराम के बारे में रवायात में भी है कि बुजुर्गों का एहतराम जलवागर है किस चीज का अल्लाह का एहतराम यहाँ पर एक जर्नली बुजुर्गों का एहतराम हो जरा सा पीछे हट जाए किसी को आगे जाने का कहें उसको प्लेट दें उसको पानी दें कोई बुजुर्ग बैठा है उससे पूछे मैं आपको कुछ ला के दूँ ये एक चीज़ होनी चाहिए क्योंकि बाज दफ़ा बुजुर्ग उठ के नहीं जा सकते वहां तक ये बच्चों की जिम्मेदारी है जवानों की जिम्मेदारी है अड़ोस पड़ोस वाले बुजुर्गों से पूछे आपको कुछ ला के दूँ आप कुछ ला के दूं ये सारे वो काम है कि जो बच्चों को आने चाहिए और ये हमें बताना चाहिए इसी तरीके से बच्चों को टोकना चाहिए सलाम किया कि नहीं किया मसलन मैं ईरान से वापस आ चुका था और एक अपने रिश्तेदारों में था और एक हमारी रिश्तेदार खातून आई तो मैंने उनको सलाम किया सलामकम आंटी उन्होंने नहीं देखा फिर मैंने सलाम किया तो तकरीबन तीन चार दफा मैंने सलाम किया उन्होंने नहीं देखा थोड़ी देर में उन्होंने हमारी वालदा से कहा कि मुझे अब तक याद है कि तुम्हारे बेटे ने मुझे सलाम नहीं किया तो हमारी वालदा ने मुझे दूसरे कमरे से बुलाया कि इधर आओ तुमने सलाम किया कि नहीं किया तो जो हमारी एक और रिश्तेदार थी उन्होंने कहा कि इसने तीन चार दफा सलाम किया आपने नहीं देखा मैं ईरान से वापस आ चुका था तकरीबन ये टू थाउजेंड की टू थाउजेंड वन टू की बात है तो ये नहीं होना चाहिए कि जी बच्चे बड़े हो गए तो उनको आप अदब ना सिखाएं वहां से सिखाएं उठो बड़ा आदमी आया उसको जगा दो पूछो आगे कैसे बढ़े तुम दरवाजा तुम साथ में खड़े थे चले जी एक पचास फिट का फासला है तो इंसान इतना नहीं कर सकता लेकिन अगर आठ फिट के पांच फिट के फासले पर बुजुर्ग है तो ये हमें बताना चाहिए कि फौरन बच्चे पीछे हट जाए और कह कि आप आगे आइए इसी तरह से बड़ों को सलाम किया जाए अलबतः बड़े भी एतरा, अपना एहतराम करवाएं और खुद भी सलाम करें सलाम जो पहले करेगा उसको उसका सवाब मिलेगा वर हम सहा और अपने छोटों पर रहम करूं अभी छोटों पर जो रहम है इसके बहुत सारे हैं उनके ऊपर बोझ नहीं डालना चाहिए ये जो बाजफा लोग बच्चों को कहते हैं खामोश हो जाओ खामोश हो जाओ नहीं खुद एक उनके ऊपर जुल्म है बच्चा जो है फितरतन हंसता है बोलता है कोई भी दिन हो कुछ भी हो हंस जाए कुछ कर जाए कुछ नहीं कहना चाहिए क्यों नहीं कहना चाहिए बच्चों की फितरत है आहिस्ता आहिस्ता उनको सब कुछ समझ में आ जाएगा हम भी छोटे थे तो हमें मजलिस में जाने का दिल नहीं चाहता था कोई भी शहादत हो विलादत हो हंसी निकलती थी बुजुर्ग टोक देते थे बस काफी है लेकिन इसके ऊपर मारा पीटा नहीं जा सकता कोई आशू शबे आशू बच्चे हंस रहे हो हंसने दे उनको प्यार से कह देना ना 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 हंसो फिर वो हंस दें कोई बात नहीं को ना हंसो लेकिन उन पर हम मारपीट नहीं कर सकते डरा नहीं सकते बता दें कि हंसने का नहीं है बस कभी कभी हमारी भी हंसी निकल जाती है इसी तरह कोई बोझ ना डाले तो बच्चों के ऊपर जो है वो छोटों पर रहम करें वह से लू और अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक कायम करें जो भी रिश्तेदार है जहां पर भी है उससे ताल्लुक कायम करें उससे पूछें अगर खुदावन तबारक वाली ने माल दिया है तो ना सोचें कि वो बचपन में ऐसे थे वो हमारे साथ ऐसे थे दे सकते हैं जरूर दें याद रखें कि अगर देंगे तो उनको नहीं फायदा होगा ज्यादा फायदा हमें होगा रवायात में भी है कि जो अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक करता है चाहे वो काफिर ही क्यों ना हो उसके माल में और उसकी उम्र में बरकत होगी और जो अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ता है चाहे वो मोमिन और नमाजी और परहेजगार ही क्यों ना हो उसकी उम्र कम होगी और माल में बरकत खत्म होगी मिसाल के तौर पर आज वक्त भी कम है बाकी चीजें इंशाला कल से बताएंगे या किसी को अगर सवाल हो और वाजिब सवाल हो तो वो ज्यादा जरूरी है तब हम इस गुफ्तु को भी कम कर देंगे किसी का सवाल हो तो हमसे पूछे नहीं पता होगा हम देख के बताएंगे ये हमारी जिम्मेदारी है मिसाल के तौर पर देखने में आता है कि जी खुत जो है वो अपनी वो अपने बच्चों को समझाती हैं कि जी फुफियों को ज्यादा क्लोज ना हो वो समझती है ऐसे हमारी जीत हो रही है ना जिस दिन आप अपने बच्चों को पपियों से रोकेंगे चचाओं से रोकेंगे मर्द अपनी बच्चों को खालाओं से और मामुओं से रोकेंगे और उनको बदतमीजी के लिए तैयार करेंगे तो दर हकीकत हम उनको कह रहे हैं कि तुम कत ए रहम करो दादी की तोहिन से दादा की तोहिन से कत ए रहम करो उमूमा मर्द ऐसा काम नहीं करते मगर ये कि बहुत ही शाज और नादिर और बहुत ही अजीब व गरीब किस्म के मर्द उमूमन मैंने नहीं देखा मर्दों को लेकिन होते हैं बाज ऐसे शैतान कस्म के लोग बाज मर्दों की पूरी मर्दानगी फड़कती है कब साली की शादी में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं मेरा एहतराम नहीं हुआ मेरे साथ यूं नहीं हुआ मुझे सेरे पे नहीं बुलाया वो प्रॉब्लम मेकर प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए हमेशा सोचना चाहिए कि प्रॉब्लम को सॉल्व करें प्रॉब्लम को क्रिएट नहीं करना चाहिए कभी भी किसी के लिए भी तो ये जो कोई दर्द देता है दर्द से मुराद अपने बच्चों की तरबियत करता है कि नानी नाना को सलाम ना करो कि मामू खाला को सलाम ना करो कि कजन से ना मिलो कोई अच्छा काम नहीं करता वो दर हकीकत उनको मिसग कर रहा है और अगर बच्चे इस राह पर चलेंगे तो ये नुकसान बच्चों का होगा उनकी उम्र कम होगी माल में कमी होगी हमें क्या बताना चाहिए कोई जो किया तुम्हारी दादी ने तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है तुम उनको हमेशा सलाम करो उनके लिए हमेशा कुर्सी लेके आओ उनके लिए हमेशा प्लेट लेके आओ उनके लिए हमेशा खड़े हो जाओ उनको हमेशा कपड़े उठा के दो उनको जो है हमेशा जो है ऐसा उठा के दो उनको हमेशा जूते उठा के दो उनकी हमेशा खिदमत करो उनके आगे पीछे रहो हमारा मामला अलग है तुम्हारा मामला अलग है एनन यही कैफियत होनी चाहिए मियाँ बीवी में बीवी कहे कि जी मेरा मियाँ जो था वो था वो मैं जाने वो जानू तुमको अपने बाप का एहतराम करना है बाप ये कहे कि हमारा बी बीवी का जो भी ताल्लुक है मैं जानूं वो जाने उसने मेरे साथ बुरा किया है मैं माफ़ कर दूंगा बीवी कहे तुम्हारे बाप ने मेरे साथ बुरा किया ये मेरा मामला है माफ़ कर दूंगी लेकिन तुमको अपने बाप का एहतराम करना है शोहर कहे तुमको अपनी माँ का एहतराम करना है बुजुर्गों का एहतराम करना है ये असल तरबियत है लिहाजा जो लोग अपने बच्चों को अपने रिश्तेदारों से मिलने से रोकते हैं वो नुकसान उनके बच्चों का है याद रखें लेकिन अगर वो कहेंगे कि देखो कुछ भी हो जाए तुम सबको सलाम करो सबसे प्यार करो सबका ख्याल करो तो याद रखें कि रूहानी एतबार से भी दुनियावी एतबार से भी आप ये देखें कि वो बच्चा कि जिसके माँ बाप हमसे ना मिलते हो लेकिन वो महफिल में आए और क्या असलामैलक खुद ब खुद इंसान खुश होता है कितना अच्छा बच्चा आएगी यानी बेशक माँ बाप से हमारी बात नहीं है या उनका एटीट्यूड अच्छा नहीं है लेकिन ये बच्चा है क्या इस बच्चे की हम हमेशा तारीफ नहीं करेंगे ज्यादा तारीफ करेंगे क्या इस बच्चे के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे ज्यादा सॉल्व करेंगे अब अगर ना भी हम तारीफ करें अगर प्रॉब्लम को सॉल्व ना भी करें लेकिन इस बच्चे की उम्र में इजाफा होगा खुद ब खुद दुआएं मिलेंगी बहुत सारी आफात से बलाओं से महफूज रहेगा लिहाजा अपने बच्चों को हमेशा अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छाई का कहें और एक काम जो होना चाहिए कि बाबा तुम इन मसाइल के अंदर ना पढ़ो हमारी जिसकी बात हुई वो हुई हम जाने वो जाने तुम लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है सलवा पढ़े बर मोहम्मद एक आ सवाल हुआ था कि वजू के बाद आया पहुंचा जा सकता है तो ना पहुंचना बेहतर है लेकिन अगर पहुंचा जाए तो कोई हर्ज नहीं है खसूस ऑफिस वगैरह में अगर आप पानी टपकाते हुए आएंगे तो ये काम फेल मैनड माना जाता है साथ ही कपड़े भी गीले हो जाते हैं पानी जो बहता है तो वो जब कपड़ों पर गिरता है तो उससे भी एक बुरा इंप्रेशन पड़ता है खूस जब इंसान किसी पब्लिक के काम में हो लेकिन हाँ किसी एक बंद कमरे में है कोई को, को ताल्लुक नहीं है ऑफिस में भी हो बेशक बाज़ दफ़ा अपना प्राइवेट कमरा होता है तो वहां भी जो चाहे वो करे लेकिन हाँ यानी पहुंचे या ना पहुंचे लेकिन ना पहुंचना बेहतर है लेकिन पहुंचने से वजू बातिल नहीं होता गुना नहीं होता तो यह हमेशा पता होना चाहिए क्या मुस्तहब है और क्या वाजिब है कितना टाइम बाकी है अभी एक सवाल आता है कि एक माउथ फ्रेशनर स्प्रे वाला होता है आया रोजे में कर सकते हैं कर सकते हैं जब तक कि कोई ऐसी चीज ना हो कि जो खाने की है और निकली जा रही है मिसाल के तौर पर माउस फ्रेशनर जो है इलायची भी होती है मगर वो खाने की है माउस फ्रेशनर जो है वो तो लॉन्ग भी है ना खा नहीं सकते इसी तरीके से एक सवाल है कि जो कभी भी पेश आ सकता है एक चीज होती है खाना खाने से रोजा बातिल हो जाएगा खाने से मुराद पूरा चमचा लिया खा लिया एक चीज होती है चखना टेस्ट देखें कैसा है और उसको हम निकल लेते हैं उससे भी रोजा बातिल हो जाएगा जी अच्छा रोजे की हालत में पेस्ट किया जा सकता है बस उसको जानबूझ के निकल नहीं सकते कुल्ली भी कर सकते हैं और पेस्ट भी कर सकते हैं बल्कि जिस तरह आम दिनों में नमाज से पहले सवाब है मिसवाक करने का और याद रखें मिसवाक हमेशा लकड़ी वाली नहीं होती ये गलत फहमी है सबाक कोई भी चीज के जिससे दांतों को साफ किया जाए हत्या रिवायात में कपड़े को साबका जमाने में कपड़े से करते थे ये भी सेवा अब इसके साथ कोई चीज लगा ली जाए कोई भी दवा जिसको हमारे मंजन कहते थे दरअ दवाएं होती हैं सब जायज़ है पेस्ट है वो भी जायज़ है इससे पहले क्या मौसम चल रहा हाँ अब एक चीज आ जाती है चखने की एक मिनट चखने की फर्ज करें कि तीन चार सफेद चीजें हैं या ये नमक है या ये सोडा तो है या ये टाटरी है या ये मसला मिसाल के तौर पर चाइनीज तो सोल्ट है तो एक तो खाना है रोजा बातिल हो जाएगा एक चखना है ऐसे वाला जैसे हम छोड़ा सा लेके चखा और निकल लिया उससे भी रोजा बातिल हो जाएगा लेकिन फकत अगर हमने सोडे को जबान पे रखा टाटरी को जबान पे रखा और उसके बाद हमने हटा दिया तो इससे रोजा बातिल नहीं होगा आपका बेटा सवाल बता दें जरा हाँ ये सवाल मैं समझ गया गम में जो शुगर है उसको आप निकलेंगे तो उससे रोजा बातिल हो जाएगा लेकिन फर्ज ये कर लेते हैं कि आपने सैरी से पहले गम खाई थी और अब सिर्फ गम रह गई है कुछ नहीं है तो वो उसको कर सकते हैं लेकिन अगर इससे बाहर जाने के बाद लगता है कि जी आप रोजेदार नहीं हैं और रोजे की इंसल्ट हो रही है माह रमजान की इंसल्ट हो रही है जैसे पाकिस्तान में हर आदमी कम चब आ रहा हो तो फिर कहा जाएगा कि ये माहिर रमजान की तोहीन है इस काम को नहीं करना चाहिए सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद